नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निखिल और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल आवाज़ न्यूज़। न्यू ईयर आने ही वाला है, अब हम लोगों से बात करेंगे कि उनका न्यू ईयर में क्या क्या नए नए चीज़ों को वो अपने अंदर डेवलप करेंगे, किस तरीके से उनका रिजोल्यूशन रहेगा और नए साल में वो लोग क्या क्या नई नई चीज़ें देखना चाहेंगे, किस तरीके से कोरोना से वो लोग लड़ेंगे, क्या कुछ है। आइए जानते हैं लोगों से और बात करते हैं इस पर। खा के मुर्गा पी के भी और बोलल जाई हैप्पी न्यू ईयर। सबसे पहले तो नव वर्ष की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी। मैम, आपका नया साल किस तरीके से होने वाला है और क्या क्या आप लोग इसमें नए रिजोल्यूशन लेने वाली हैं? देखिए, कोरोना की वजह से तो कुछ वैसा प्लान हम लोग कर नहीं पाए। हम लोग यहाँ केक लेने आए थे। लास्ट ईयर करते हैं वैसा तो कोई प्लानिंग नहीं है, जो है शांति से घर में ही सेलिब्रेट करेंगे। कोरोना कितना भारी पड़ रहा है आप लोगों को? भारी का क्या बात है, भारी तो पूरी दुनिया पे पड़ रहा है, लेकिन हाँ हम लोग सेफ्टी मेजर्स के साथ ही जो करना होगा करेंगे। तो नए साल को आप लोग किस तरीके से सेलिब्रेट करेंगे? घर पे ही बैठ के बस? जी घर पे ही बैठ के केक काट कर, पर यहाँ हमें हमारी पसंद का केक नहीं मिला इसलिए हम लोग वापस जा रहे हैं। अच्छा, अगर बात करें रिजोल्यूशन की, नए साल पे लोग रिजोल्यूशन लेते हैं कि हमें अगले साल में ये करना है वो करना है, तो आप लोग का क्या रहेगा? फिटनेस पे थोड़ा ध्यान देना है और जो पिछले साल नहीं कर सके थे वो इस साल पूरा करना है। चलिए, लोगों का कहना है कि जो पिछले साल नहीं कर सके थे कोरोना की वजह से उसको आगे करना है, उसको पूरा देखना है। आइए और लोगों से इसी प्रक्रिया में बात करते हैं। नमस्कार भैया, क्या नाम हुआ आपका? हीरा। तो नया साल आ रहा है, नए साल पर क्या किस तरीके से नए साल को सेलिब्रेट करिएगा? नया साल आ रहा है, बट मोस्ट रिमार्केबल बात है कि ये जो साल हम लोग का गुजरा है वो कोरोना ईयर डिक्लेयर किया पूरा वर्ल्ड, तो ये साल गुजर रहा है। सबसे बड़ा राहत ये है, बात बड़ी राहत ये है कि ये साल ही कोरोना ईयर गुजर रहा है। That's the biggest नए साल को किस तरीके से देखते हैं, क्या क्या रिजोल्यूशन रहेगा नए साल में आपका? बट नेचुरल है, जो गलतियां हम करते आ रहे हैं वो गलतियां रिपीट ना हो। नया साल हमें एक बहुत बड़ा सीख दिया ये साल कि कैसे हम बीमारी से लड़े। तो जाहिर सा बात है, अभी मेन हमारा फोकस यही रहेगा कि जो अभी एपिडेमिक फैला हुआ है अभी भी उसको ध्यान में रखते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करते हुए और सॉरी मास्क का यूज़ करते हुए हम लोग रहें। अपना सेलिब्रेशन तो अपार्ट फ्रॉम ये तो सेलिब्रेशन अपने, तो इस बार का सेलिब्रेशन पब में ना हो करके, मार्केट में ना हो करके घर पे मना रहे हैं आप लोग। वी शुड फॉलो दिस स्ट्रिक्टली, वी शुड फॉलो दिस इंस्टेड ऑफ गैदरिंग एट सोशल प्लेस, हम इसको घर पे सेलिब्रेट करें, जो भी खुशी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार सर, क्या नाम हुआ आपका? ऋषिराज। सर आप ये बताइए कि नया साल आ रहा है, सबसे पहले तो आपको नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको नया साल आ रहा है सर, पिछले साल से कितना भिन्न रहेगा, क्या आप लोग क्या मना रहे हैं, किस तरीके से नया साल को सेलिब्रेट करेंगे आप लोग? सेलिब्रेट क्या करेंगे, ऐसा ही कोविड है, कोविड के कारण सब बंदी है, मतलब बस घर पे ही एंजॉय हो जाए, पूरा फैमिली यही काफ़ी है। घर पर मिल बैठ के बातें करेंगे, अपना एंजॉय घर पे करेंगे। तो सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, आप करते क्या हैं? स्टॉक मार्केट में जॉब करते हैं। तो सर नए साल में क्या रिजोल्यूशन रहेगा आपका, नए साल को किस तरीके से देख रहे हैं? नए साल में पहले तो ये चाह रहे हैं कि इस कोरोना से मुक्ति हो जाए, कोरोना से मुक्ति मिले। सबसे पहले इन सभी लोगों के मन में ये भय है कि कोरोना बाबा से मुक्ति मिले, कोरोना हमें जल्दी से जल्दी दूर जाए कोरोना हमसे, और फिर से हम लोग वही वातावरण में वापस लौट पाएं। तो सर ये बताइए कि आपका क्या रिजोल्यूशन रहेगा, कि आप किस तरीके से अपने नए साल में काम को देखेंगे, क्या क्या आप नए चीज़ को ढालना चाह रहे हैं अपने जीवन में? उसके बाद नए चीज़ मतलब अगले साल में, पहले बात तो छोटे बच्चों के लिए एजुकेशन, घर में बैठ के बच्चे जितने सीखे थे वो सब भूल गए, ऑनलाइन क्लासेस, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे कुछ होता नहीं है। वो बच्चा भी कहीं ना कहीं सर पूरा दुनिया स्थगित हुआ है हर चीज़ में, वो मोबाइल दे दीजिए तो बच्चा गेम खेलता है, ऑनलाइन क्लास नहीं करता। दस मिनट किया और जब तक आप हैं वो, जब तो उसके बाद ही वो गेम में ही लगे रहता है। सबसे पहले वो है, उसके बाद आप फैमिली के लिए आप चाहिएगा कमाना, प्राइवेट सेक्टर में तो जॉब इनकम कम है, बहुत सारा धंधा बंद हो गया है, तो कमाई भी कम है, तो फैमिली जी भी नहीं सकती है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, नव वर्ष आपका बहुत ही शुभ हो यही कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी और आपके चैनल। क्या नाम हुआ आपका? आकृति। आकृति, आकृति आप ये बताइए कि नए साल को किस तरीके से देख रही हैं, क्या आप लोग सेलिब्रेट कर रही हैं नए साल को? उतना खास नहीं, क्योंकि कोविड है अभी, उतना ज़्यादा और इसका स्तर बढ़ ही जा रहा है। कहा जा रहा है कि नया कोविड आ रहा है, नए तो शांति से अपने घर में थोड़ा सा पार्टी करना और कुछ नहीं, घर पे ही पार्टी करना। अच्छा आकृति आप ये बताइए कि नए साल में आपका क्या रिजोल्यूशन रहेगा, आप क्या क्या नए साल में अपने आप में बदलाव लाना चाहेंगी? पहले तो सेफ रहना है,
और उतना कुछ खास तो अभी दिख नहीं रहा, ये कोविड के कारण बहुत सारे चीज़ बंद हो चुके हैं, तो अभी कुछ खास प्लान नहीं है। अभी कुछ खास प्लान नहीं है, तो आगे जब कोरोना ख़त्म होगा तो फिर से सारा कुछ हम मनाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी नववर्ष की, बहुत बहुत धन्यवाद। सेम टू यू। हम लोग अभी मार्केट में हैं, मार्केट में सर से बात करते हैं, केक की किस तरीके से मांग हो रही है, कितना क्या कुछ बिक रहा है, पहले से कितना भिन्न है नया साल, बात करते हैं। सर, तो मैं सबसे पहले तो नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं आपको सर, आप सबको भी हार्दिक वर्ष की। सर, मैं ये जानना चाहता हूं कि ये नया साल आ रहा है, यहां पे डिमांड्स हो रहे हैं केक्स के, तो मतलब पिछले साल से किस तरीके से भिन्न है, कोरोना ने कुछ? हाँ, कोरोना का इफेक्ट है, पिछले साल से डिमांड्स कम है, लोग डर रहे हैं, लोग डर डर के निकल रहे हैं घर से, और पिछले साल जो हमने बिजनेस किया था उसका और इस साल के बिजनेस के कंपैरिजन में 30% लेस बिजनेस अभी तक के अनुसार है, लोग निकल ही नहीं रहे हैं, लोग बाहर नहीं निकल रहे, कहीं ना कहीं कोरोना का भय अभी भी है। कोरोना का भय है। तो सर, अगर बात करें आपकी, तो आपका नया साल आप किस तरीके से देखते हैं? मैं तो अपने नए साल को सेफ और सुरक्षित तरीके से मनाना चाहूँगा, क्योंकि पिछले जो बीते हुए साल में हमने बहुत अपने लोगों को खोया है इसी चीज़ के ये में, ये वायरस और फैले ना, तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए नए साल में मैं खुद और सभी लोगों को जो भी सुन रहे हैं उनको ये बोलूँगा कि सेफ और सुरक्षित नया वर्ष मनाइए, हर्ष और उल्लास का समय है, लेकिन बीते साल जो भी हुआ उसको देखते हुए बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। नए स्ट्रेन के केसेस भी 20-25 आ चुके हैं, तो जितने भी लोग हैं उनसे अपील करता हूं कि मास्क पहनिए और सैनिटाइजर का प्रॉपर यूज करिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। देखा, आपने देखा कि हमने लोगों से बात किया और लोगों से बात करके हमें ये पता चला कि कहीं ना कहीं अभी भी कोरोना का भय लोगों में बना हुआ है, कोरोना के कारण वह अपने नव वर्ष को उतने सही तरीके से हैप्पी होकर के न्यू ईयर को नहीं सेलिब्रेट कर पा रहे हैं, वजह सिर्फ तो सिर्फ कोरोना। लोगों ने बताया कि हमारा रिजोल्यूशन के तौर पर सबसे पहले तो सेफ रहना, सुरक्षित रहना रहेगा, उसके बाद ही कुछ कर सकते हैं। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ आवाज़ न्यूज़ पर। धन्यवाद।